स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्विंग पर। कल ही नीतीश राणा KKR के न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन बनाए गए और हमने उस पर एक वीडियो कवर किया। अब श्रेयस अय्यर इंजर्ड है और IPL 2023 को शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है, तो तीन प्लेयर्स जो श्रेयस को रिप्लेस कर सकते हैं KKR की यूनिट पर, उस पर गहन एक चर्चा सोचा कर ली जाए। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना वैल्यूबल फीडबैक हमको बताइएगा। प्लेयर नंबर एक, करुण नायर। होता क्या है कि करुण नायर IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन वहां पर कोई भी करतब और खेला नहीं हो पाया जो बाकी ने किया या फिर जैसा टीम मैनेजमेंट चाहता था, तो करुण को रिलीज कर दिया गया। अब IPL 2023 के ऑक्शन में करुण नायर 50 लाख के बेस प्राइस पर सेट आउट किए गए थे, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने करुण पर इंटरेस्ट शोकेस ही नहीं किया, उससे भाई साहब चले गए अनसोल्ड। लेकिन सुना है ना वो बात, किसी का नुकसान तो उसमें किसी का फायदा जरूर होता है। यह अपॉर्चुनिटी करुण नायर के पास हो सकती है कि KKR मैनेजमेंट श्रेयस के ही रोल जैसा करुण को कंसिडर कर सकता है। राइट हैंडेड बैट्समैन है जिनके पास नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट करने का एक्सपीरियंस है और IPL में भी एक डिसेंट आउटिंग रही है अभी तक करुण नायर की। IPL में करुण ने 76 मैचेस खेले हैं जहां पर 1171 रन स्कोर किए हैं और एवरेज है उनका 23.75 का। अरे हाँ, करुण के बल्ले से निकली है 10 50s भी, तो एकदम ही सरपट मामला है इनका कि कंसिडर ही किया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि करुण नायर डोमेस्टिक में अभी थोड़ा सा अपनी फॉर्म में दिख रहे नहीं है, तो जब कंसिडरेशन में करुण की फाइल जाएगी फिर तो हर जगह पर मामला को विचार विमर्श किया जाएगा ना। लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस से मिडल ऑर्डर में कंटेंट को लाने का काम कर सकते हैं करुण विद द बैट। प्लेयर नंबर दो, प्रियम गर्ग। ये दूसरे प्लेयर हैं जो श्रेयस अय्यर को KKR की स्क्वाड में रिप्लेस कर सकते हैं। प्रियम एक यंग डायनेमिक बैटर हैं जिन्होंने 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपने IPL का सफर तय किया था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड थी प्रियम के पास 2022 में भी। कैंपेन के आखिरी में मौका मिला और लगा कि बंदे में तो दम लग रहा है, तो हो सकता है सनराइजर्स हैदराबाद भरोसा दिखा सकती है प्रियम के ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ कहां। प्रियम के पास एक अपॉर्चुनिटी है एक मार्क बनाने के लिए। अब वो चूंकि श्रेयस इंजर्ड हैं, तो अपने एग्रेसिव इंटेंट से और अपने रेंज ऑफ स्ट्रोक से एक मार्क बना सकते हैं अगर तो कंसीडर किया गया तो। अब अनसोल्ड लॉट में से ही प्रियम गर्ग अच्छा फिट हो सकते हैं फॉर टीम KKR। वैसे भी यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस देना चाहिए ताकि वो अपने परफॉर्मेंस से टीम के लिए एक अच्छी डिलीवरी दे सकें और इवेंचुअली टीम चैंपियन बन के उभरे। क्यों, क्या कहना है आपका। अब चलते हैं प्लेयर नंबर तीन, अभिमन्यु ईश्वरन। भाई साहब भी वही अनसोल्ड कैटेगरी से ही आ रहे हैं और अभिमन्यु का बेस प्राइस प्लेस था 20 लाख में, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइज ने अभिमन्यु पे इंटरेस्ट ही शोकेस नहीं किया। अभिमन्यु के साथ एक एडवांटेज KKR की टीम को और हो सकता है, जब भी लोकल मैचेस होंगे तो वहां पर होम एडवांटेज के लिए अभिमन्यु ईश्वरन बहुत ही आराम से उस बॉक्स को टिक करके दे सकते हैं, क्योंकि अभिमन्यु रणजी में वो बंगाल की टीम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। IPL में कोई भी मैच खेलने का एक्सपीरियंस अंडर द बेल्ट नहीं है अभिमन्यु के पास, लेकिन उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जिसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं KKR की टीम के लिए। वैसे भी जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं जिन्होंने एक अच्छा शो पुट अप किया है, उनको देखने वाला सीन होगा न्यूली अपॉइंटेड हेड कोच चंद्रकांत पंडित के अंडर, क्योंकि चंद्रकांत पंडित का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे अंडररेटेड प्लेयर से जबरदस्त परफॉर्मेंस को डिलीवर कराने का रहा है। अब उसमें हो सकता है अभिमन्यु ईश्वरन भी बाजी मारते दिख सकते हैं। तो ये थे तीन प्लेयर्स जो श्रेयस अय्यर के रिप्लेसमेंट के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन देखो, टीम अलग तरीके से सोचती है और बहुत ही बेहतर सोचती है। अक्सर देखा गया है जितने भी नाम चल रहे होते हैं ना, उसमें से कोई भी नाम ना चल रहा हो वो निकल के आगे आ जाता है, लेकिन हाँ, हमेशा थोड़ी ना ऐसा होता है। अब आप भी अपने नाम बताना जो श्रेयस अय्यर को एज अ प्लेयर रिप्लेस कर सकते हैं IPL 2023 में। बताते चलें कि श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी हुई है और अभी IPL 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ODI वर्ल्ड कप 2023 सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। हमने एक वीडियो में डिटेल में श्रेयस अय्यर की इंजरी के बारे में बात करी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर देंगे और आई बटन में भी लगा देंगे, आप लोग उस वीडियो को देखेगा। अब नीतीश राणा की एबल कैप्टनसी में KKR कैसे अपने कैंपेन को आगे बढ़ाने का काम करती है वो देखना होगा। IPL बस आकर खड़ा हो गया है, बहुत से समीकरण चल रहे हैं, प्लान्स और स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट हो रही हैं, प्लेयर जबरदस्त नेट्स में मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ ही रिप्लेसमेंट का दौर भी अपने चरम उफान पर है और लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, कंटेंट अच्छा लगा होगा ना तो सब्सक्राइब करना हमको, उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना, घंटा होगा एक उसे भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन उससे आपको तुरंत मिल जाएगी और जैसे ही हम वीडियो यहां से लोड करेंगे आपको पहली फुर्सत में मिल जाएगा। चलो, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ध्यान रखना, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।